चलिए दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा पौधा दिखाता हूँ जो आपके घर के आसपास आसानी से आपको मिल जाएगा। इस पौधे को कई जगह पर चरोटा बोलते हैं, कहीं पर तरोटा बोलते हैं और इसे इंग्लिश में केसिया टोरा बोलते हैं। कुछ लोग इसे चक्रमर्द भी कहते हैं, पनवर भी कहते हैं, तो इसके विविध नाम हैं। दोस्तों, इस पौधे का उपयोग जिन लोगों को दांत खाज खुजली होती है, सोरायसिस होती है, यानी कि चर्म रोगों में इसका उपयोग अधिकतर किया जाता है और इसका उपयोग करना भी बहुत ही आसान है। जब बारिश के दिनों में यह पौधा उगता है तब इसकी जो कौली पत्तियाँ होती है उससे कई लोग, जैसे आप मेथी की सब्ज़ी बनाते हैं वैसे ही इसकी सब्ज़ी बनाकर भी खाते हैं और यह शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है। इसका दोस्तों दांत खाज खुजली के लिए बहुत से लोग पुराने ज़माने में यूज किया करते थे। आज भी कई गाँव में इसको यूज किया जाता है दांत खाज खुजली की बीमारी होने पर। यह बहुत ही आसान है इसे यूज करना। इसके लिए आपको क्या करना है, यदि आपको इसका पौधा दिखाई दे तो आप इसकी पत्तियों को पीस कर जहाँ पर भी दांत खाज खुजली है ऐसे जगह पर 2-4 दिन लगा सकते हैं। इससे बहुत ही जल्दी आराम मिल जाता है। और मान लीजिए जब इसकी पत्तियाँ सूख जाए, यानी कि यह पौधा बड़ा हो जाए, इसके बीज आ जाए, तो इसके बीजों को भी जमा करके आप रख सकते हैं। इसके बीजों को रोज़ सुबह 3 से 4 बीज खाली पेट खाने से भी जो दांत खाज खुजली संबंधी जो परेशानियाँ हैं उससे मुक्ति मिल जाती है। और आप चाहे तो इसके बीजों को रात में भिगोने डाल दीजिए और सुबह के समय इसकी चटनी पीस लीजिए और इस चटनी को जहाँ पर भी आपको दांत खाज खुजली है ऐसे जगह पर यदि आप लगा देते हैं तो उससे भी दांत खाज खुजली ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, छोटी छोटी जानकारियाँ हमारे बहुत काम में आती है और हमारे देश में सभी गाँव में मेडिकल उपलब्ध नहीं है, दवाई की दुकानें उपलब्ध नहीं है। ऐसे में इन सब छोटी छोटी जो जानकारियाँ हैं उनसे बहुत ज़्यादा बेनिफिट लिया जा सकता है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूँगा कि भले ही इस वीडियो को लाइक मत करिए लेकिन शेयर ज़रूर कर दीजिए। और आपको यदि हेल्थ से संबंधित अधिक जानकारी चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल का बटन भी दबा सकते हैं।